हेलो स्पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया यार। कल नोटिस आया था ये आपका सिलेबस वाला, और उस टाइम पे एनएमसी की जो साइट है वो खुल नहीं रही थी। तो मैंने भी कहा कि भाई ऑथेंटिसिटी जो है कैसे पता करेगी ये पीडीएफ जो सही है या नहीं है, लेकिन सही है भाई। ये एनएमसी की जो वेबसाइट है उस पर आ चुका है, वो खुल गई और उस पर आ चुका है ये सिलेबस। तो अब बात करेंगे अपन बायोलॉजी का जो सिलेबस, उसमें कितने क्या चेंजेज हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। कोई बहुत बड़ा चेंज हो गया क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक यहाँ पर ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक जो यहाँ से डिलीट हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ध्यान से देखना भाई वीडियो को। सबसे पहला आता है आपका, ये पहली यूनिट आती है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, है ना। मतलब पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड वाला है उसकी यूनिट है। इसमें लिविंग वर्ल्ड आता था आपका, आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चार चैप्टर आते हैं। तो इसमें लिविंग वर्ल्ड वाला जो पहला चैप्टर, उसमें कोई चेंज हुआ है क्या खास? उसमें यार कोई खास चेंज हुआ नहीं है ना। उसमें लास्ट में क्या हटाया गया है, उसमें लास्ट में टेक्सोनॉमिकल जो एड वाला है, जिसमें आपका हर्बेरियम आता है, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, ठीक है, तो म्यूजियम आते हैं, वो वाला पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन देखो, मैं तो आपको ये बोलूँगा सेफ साइड के लिए जो है, आप एक घंटे में वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का वो टॉपिक भी कर लेना, है ना। ईजी है यार, हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क जो है 10 मिनट का टॉपिक भी नहीं है, तो करके जाना, है ना। एक घंटे दे रहे हो तो वहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा और दे लेना यार। जहाँ पूरे चैप्टर हटाए गए हैं वहाँ पर अपन बात करेंगे ना। अगला जो है वो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। तो ये भाई पूरा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा पिछले साल था वैसा का वैसा ये है। अगला जो है वो आपका आ जाता है प्लांट किंगडम, जैसा था वैसा ही है। लास्ट में एक टॉपिक हटाया गया, कौन सा? एंजियोस्पर्म वाला। एंजियोस्पर्म वाला हटाया गया है, लेकिन आप इसको मानो मत कि हटाया गया, क्योंकि अपन एंजियोस्पर्म वाला जो पोर्शन था भी ना पहले, वो अपन कहाँ पढ़ लेते थे? अपन जो 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है वहाँ पर अपन पढ़ लेते थे उसको, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। फिर अगला है आपका एनिमल किंगडम, पूरा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जितना था पहले वही आएगा। फिर चलते हैं अपन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ये अपनी दूसरी यूनिट है। इसके अंदर आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यू वाला वो पोर्शन आता है। तो मॉर्फोलॉजी भाई पूरी की पूरी है, ठीक है। एनाटॉमी आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी कि एनाटॉमी अलग से, लेकिन एनाटॉमी यहाँ लिख रखा है और ये एनाटॉमी पूरी आएगी, है ना। तो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, एनाटॉमी वाला चैप्टर, दोनों पांचवा और छठवां चैप्टर जो है वो पूरा आने वाला है। अब यहाँ पर यार एक जो है चीज ऐड हुई है, ये जो फैमिलीज दे रखी है ना ये अपनी एनसीईआरटी में आपको नहीं, सिलेबस में भी नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, लेकिन ये कोचिंग्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जो है आपको कुछ चीज़ें जो है वो अलग से दे रखी हैं, और कुछ चीज़ों में यहाँ पर टाइपिंग एरर भी है, तो क्या पता ये अपडेटेड होके आ जाए। लेकिन अभी के लिए जो है ये आपकी जो है इतनी फैमिली आपको दे रखी है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू रहेंगी, अगर अपडेटेड होके कुछ आता है और कंटिन्यू रहती तो अपन कर लेंगे ना, आगे चलते हैं। अगला जो है वो एनिमल टिश्यू, पूरा है भाई, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे बड़ी जो दिक्कत कर रखी है वो कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो है ना, इंसेक्ट और फ्रॉग, ठीक है। यहाँ पर पिछले साल में क्या था, इंसेक्ट और आपके जो है ब्रैकेट में क्या लगा रखा था, इन्होंने कॉकरोच लगा रखा था। उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट तो रहने दिया और ब्रैकेट में कॉकरोच की जगह फ्रॉग मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो उनकी एरर है, टाइपिंग एरर बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है वो अपडेट होके आना चाहिए। अगर नहीं आता अपडेट होके तो आप प्लस कर लेना भाई, अपना फ्रॉग जो है इसमें जोड़ लेना। अब तक आप फ्रॉग नहीं पढ़ते आ रहे थे, एनसीईआरटी में है फ्रॉग, ऐसा मत सोचना कि भाई बाहर से आ गया एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में फ्रॉग दे रखा है, तो एनसीईआरटी में फ्रॉग दे रखा है वो कर लेना, ठीक है। अगर ये अपडेटेड होके आता है तो अपन को पता लग जाएगा भाई कि कॉकरोच आ रहा है कि फ्रॉग आ रहा है या फिर दोनों आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन दोनों सेफ साइड के लिए कॉकरोच भी पढ़ लेंगे और फ्रॉग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है भाई यूनिट सेल स्ट्रक्चर वाला। सेल स्ट्रक्चर वाली यूनिट है, इसमें भाई कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सेल थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है, सेल वाला चैप्टर। बायो, फिर बात है बायो मोलिक्यूल के अंदर। बायो मोलिक्यूल के अंदर आपको ये वाला टॉपिक पिछले साल से अलग दिखेगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, लेकिन ये एनसीईआरटी में है और अपन पढ़ते भी हैं ना, तो ये कोई अलग से नहीं है। आगे बात करते हैं सेल डिवीजन की, पूरा चैप्टर भाई जैसे अपन पढ़ रहे थे वैसा का आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आती है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर चैप्टर जो है वो पूरे के पूरे डिलीट मारे हैं। तो यहाँ पर बात बनती है कि प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें चैप्टर कौन सा हटाया गया है? इसमें जो 11वें नंबर का चैप्टर था आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है, पौधों में परिवहन, हटा दिया गया भाई, पूरा हार्ड चैप्टर था थोड़ा सा, हटा दिया गया, मजे मारो। अगला जो चैप्टर है 12वां चैप्टर, वो है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, हटा दिया गया, थोड़ा सा ईजी था लेकिन रटने वाली चीजें ज्यादा थी, उसको भी हटा दिया गया है। दो चैप्टर आपके पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं, मतलब आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक बात है। आगे चलते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस आपका पूरा का पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पिरेशन भाई पूरा है, जैसे पढ़ रहे थे वैसा पढ़ना है आपको।
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसा पढ़ रहे थे वैसा का वैसा पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, यहां पर भी चैप्टर डिलीट हुआ है, यहां पर चैप्टर डिलीट हुआ आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसने पढ़ लिया होगा ठीक है, कोई दिक्कत भाई, कोई गुना नहीं कर दिया आपने पढ़ लिया तो ना, तो बढ़िया है, आपको एज मिल रखा है, सेफ साइड में हो, और जिसने नहीं पढ़ा मत पढ़ना भाई, है ना, सिलेबस से हटा दिया गया वो, है ना। फिर आ गया ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, पूरा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड वाला चैप्टर पूरा है। फिर आ गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर भी पूरा आपका दे रखा है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पूरा, जैसा पिछली बार था वैसा ही सिलेबस में एज इट इज है, इसमें भी यहां पर चेंज हुआ है, यहां पर चेंज हुआ है न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, जो सेंसरी ऑर्गन दे रखे हैं ना, सेंसरी ऑर्गन दे रखे हैं लास्ट में, जिसमें आई है आपका और ईयर है, जो थोड़ा सा आपको टफ पार्ट पड़ता है भाई, है ना, जिसमें आपको लगता है यार ये चीजें याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा, टफ भी है ठीक है, तो आई और ईयर हटा दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर अगर कोई 10 मिनट का टॉपिक है ना और वो हटाया गया है, तो वो तो आप पढ़ लेना यार, इजी है, 10 मिनट का टॉपिक है वो पढ़ लेना, लेकिन आई और ईयर जो है कंपैरेटिवली हार्ड है, तो वहां पर उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। और जहां कुछ आप बोलोगे भैया कि बहुत सारी चीजें जो है वो हटाई गई, छोटे छोटे टॉपिक हटाए गए, तो वो यार आप कर लेना, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ लेना, लेकिन आई ईयर जो थोड़ा टफर पार्ट है तो उसको आप छोड़ सकते हो, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये यहाँ पर देख लेना, आई ईयर जो है हटा दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा है, जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन में, 12th क्लास आ गई, रिप्रोडक्शन में आपका जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो हटाया गया है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट भाई पूरा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा है, जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ लेना। उसके बाद में आपका रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो भी पूरा है, जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना है आपको। फिर आता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली यूनिट में, जेनेटिक्स में जो पहला चैप्टर है पूरा है भाई, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से आता है आपकी एनसीईआरटी में, पूरा चैप्टर है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो भी पूरा है, यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक दिखेगा, पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस जो है आपको नया दिखेगा, लेकिन कुछ अलग नहीं है, पढ़ते हैं अपन, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा, ये चैप्टर जो टॉपिक है जो कोई अलग से नहीं है, पढ़ते हैं अपन और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो कर लेंगे ना एक्स्ट्रा, थोड़ी बहुत जो है तो कुछ चीज़ें हटी तो कुछ चीज़ें नई जो है वो भी ऐड हुई है ना, तो कोई वो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ भाई, ऐसा घबराना मत कि भाई बहुत कुछ ऐड हो गया, नहीं बहुत कुछ ऐड नहीं हुआ। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन पूरा है, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस एक जगह आपको बदलाव दिखेगा, पिछले साल जो है यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले एक टॉपिक का ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन कर दिया ना वो जो है ना उसमें क्या दे रखा कि भाई ये कौन सा जीव जो है वो कब आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया, उसकी ईयर्स दे रखी है ना, तो वो वाला टॉपिक जो है उसमें नहीं दे रखा है, लेकिन भाई वो थोड़ा सा ईजी है और 5-10 मिनट का टॉपिक है तो कर लेना है ना, उसमें थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें, तो एक बार नज़र घुमा लेना वहाँ पे, मेरे तो ये कहना है, तो जो ईजी टॉपिक है वहाँ पर नज़र मार लेना। फिर आगे चलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो ये आप इवोल्यूशन को पूरा ही समझो, इसकी मत मारना ना, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट में देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो नई ऐड हुई दिखाई देगी, टोबैको अब्यूज, ठीक है, आप अल्कोहल और ड्रग अब्यूज दे रखा है, टोबैको अब्यूज जो है ये भी है इसमें, तो ये जो है वो बातें हैं जो आपको समाज में जो है आप देखने के लिए मिलते हैं, आपको पता ही है सारी बातें ना। आगे चलते हैं, फिर आता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर पूरा है भाई, इजी चैप्टर होता है, और यहाँ पर जो है एक चैप्टर हटा दिया गया है, कौन सा, स्ट्रेटजीज फॉर अरेंजमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हो आप और जिसमें आप प्लांट ब्रीडिंग वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो वो जो है टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, तो वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और जिसने कोई पढ़ ही लिया ना तो भाई गुनाह नहीं कर दिया आपने ना, गिल्ट में बताना कि भाई हमने तो पढ़ लिया, भूल जाना उसको ना, तो वो चैप्टर हटा दिया गया है। आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भाई पूरी यूनिट है, ठीक है, जिसमें आपकी प्रिंसिपल पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का वो भी है, दूसरा भी है, ठीक है, कहीं कोई चेंज नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है। फिर आते हैं लास्ट में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाली यूनिट में, यहाँ कुछ बदलाव हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इसमें भाई पूरा है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, इसमें पूरा है, थोड़े से बदलाव हैं, थोड़े से कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो है वो काटे गए हैं, तो जिसने पढ़ लिया वो पूरा पढ़ लेना, बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना, ठीक है, तो ये मान लो पूरा ही समझो इसको, है ना। इकोसिस्टम वाले में चैप्टर पूरा ही है, लास्ट में आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ना वो हटा दी गई है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपकी, जिसमें आपके कार्बन साइकिल हो गई, फॉस्फोरस साइकिल हो गई, और आपका लास्ट में ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट है वो भी हटा दिया गया है, और इसके अलावा
जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं वो भी हटा दिया गया है ना। तो यहाँ से जो टॉपिक हटाए गए छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, आपको एक नया नाम दिखेगा यहाँ पर, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक है तो क्या भैया, हम रेड डाटा बुक जो है वो अलग से बुक खरीद के लाएंगे? अरे नहीं, एनसीईआरटी में दे रखा है, बस उसको नाम बदला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं यार, ये टॉपिक्स तो आपको पता लगा ये भाई कौन से टॉपिक कहाँ है। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, वहां पे आते हैं। तो जो चैप्टर हटाए गए हैं वो यहाँ पर मैंने अलग से लिख रखे हैं उनके नाम, है ना। इसमें नहीं है कि जो इसमें जो सिलेबस में वही लिख रखे हैं मैंने, जो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो हटा दिए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं ना। तो ये देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आपको बिल्कुल नहीं, मत हेड नहीं, मतलब उसको है ना हाथ में लगा देना उसके। मिनरल न्यूट्रिशन भाई हाथ मत लगा देना उसके, ठीक है। अगला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मत पढ़ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मत पढ़ना। स्ट्रेटजीज फॉर अरेंजमेंट इन फूड प्रोडक्शन मत पढ़ना। एनवायरमेंटल इश्यूज मत पढ़ना। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो मत पढ़ना। यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया, लास्ट में जो लास्ट जो चैप्टर है ना 12th क्लास के अंदर, वो हटा दिया गया, पूरा हटा दिया गया। तो ये जो 6 चैप्टर है ना, ये आप मत पढ़ना। ये क्या हो चुके हैं भैया, डिलीट हो चुके हैं। ये वाले चैप्टर क्या हो चुके हैं, डिलीट। ये वाले चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले भाई 38 चैप्टर हुआ करते थे आपके, 38 चैप्टर हुआ करते थे, अब 32 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। 6 निकाल दो, 32 हो गए। तो ये 32 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो अब भी टाइम है, बढ़िया से तैयारी करो। और अब आपको कुछ जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, जो फ्रॉग भाई पढ़ लेना, ठीक है, फ्रॉग में कोई कंजूसी मत करना। उसके अलावा आपको जो सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट जो है उसको छोड़ देना, बाकी जितना दे रखा है ना, जितना एनसीईआरटी में पहले पढ़ते थे वही पढ़ लेना। उसके अलावा आप छोटे छोटे टॉपिक जो दे रखे हैं कि भैया ये म्यूजियम वाला हटा दिया, ये हम नहीं पढ़ेंगे, अरे भाई 2 मिनट का टॉपिक है, कर ले यार, इतना पढ़ रहा है, वो भी पढ़ ले, है ना। तो एक सेफ साइड लेके चलो, क्योंकि भाई वो पता नहीं कहाँ से क्या रिलेट कर देना, बोला सिलेबस में नहीं है, वो दूसरी जगह से रिलेट कर दे, बोला मतलब यहाँ से उठा के लेके आए हो ना, तो वो थोड़ा सा रहता है ना, क्योंकि भाई पेपर बनाने आप थोड़ी ना पेपर बनाने वाले, पेपर तो वहाँ से आएगा। तो अपन सेफ साइड में पूरा जो है जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, ना। तो ये जो चैप्टर्स पूरे हटा दिए गए हैं उन पे मत जाना, बाकी जो है आप पूरा पढ़ लेना, सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के लिए भाई एक अलग वीडियो बात करेंगे, उसमें पूरा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी पोर्शन है तो उसकी बात करेंगे केमिस्ट्री में एक अलग वीडियो में। बायोलॉजी का मैंने आपको पूरा बता दिया, क्या नहीं पढ़ना है आपको और क्या पढ़ लेना है, ठीक है। मैं तो बिल्कुल होनेस्टी से बता रहा हूँ आपको, ये पढ़ लेना, ये मत पढ़ना। बाकी मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।